गुरु पूर्णिमा पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने भजन का गान कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। She doesn't need any introduction, लेकिन भारत के सभी युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। मैं अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत एक छोटी ही भेंट से। तृप्ता जी मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। कार्यक्रम के दौरान पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंचे हैं, जहां पर अभी हमारे साथ यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किरण मैम ने किया है। हम इनसे ही जान लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, वो क्या सोचती है। मैम, ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये एक शिष्य, एक गुरु जो है वो उनकी जो योगदान है उनके बारे में बताते हैं और उसे सेलिब्रेट करने का एक मौका था। मेरे पास शब्द नहीं है, ये तो आत्मिक रिश्ता था। ये तो आज आत्मिक शुद्धता मिली है, आत्मिक खुराक मिली है। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, इसलिए मैं स्टेज पे कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि ये ऐसी गुरु पूर्णिमा है कि जाके गुरु आपके वापस आपके बीच में आए फिर से और कहा आओ मुझे, मेरे से फिर से आशीर्वाद लो। तो मैं समझती इसके लिए शब्द है ही नहीं, ये तो सिर्फ शुद्धता थी। इसलिए स्पिरिचुअल म्यूज़िक और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैम, हमने देखा है कि आप बहुत अलग अलग रोल में रही हैं देश में, चाहे IPS केस में रही हो, उपराज्यपाल के तौर पे भी आप रही हैं, लेकिन अब एक गुरु के तौर पे भी हम आपको देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक वक्त निकालती हैं जहां बच्चों के साथ कनेक्ट होती हैं। मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेरणा लेती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ और जो सीखती हूँ थोड़ी सा बांटने की भी कोशिश करती हूँ। तो मैम, आपको खासतौर से आज के वक्त में जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई ऐसी एक कहते हैं कि एक वक्त आ चुका है जहां पर शायद हम गुरुओं की उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज यहां पर देना चाहेंगे। ना, आज के प्रोग्राम्स यही तो है, और इनके तो बहुत ज़बरदस्त यूथ प्रोग्राम्स हैं, इनके वैल्यू बेस्ड यूथ प्रोग्राम्स गाँव गाँव में हैं। गुरुदेव के बहुत गाँव गाँव में मैं इनको देखती हूँ और ये तो बहुत प्रेरणा स्रोत है। सो इसलिए ये जो कर रहे हैं ज़बरदस्त एक मानव सेवा है। व्यक्ति विकास केंद्र उसमें बहुत सारे मूल्य देते हैं और वो बच्चों में बहुत परिवर्तन आता है और वो जितना फैलेगा उतना उधार होता है। इसीलिए समाज आज बचा हुआ है, समाज आज बैलेंस्ड इसीलिए है कि हमारे पास ये काबिलियत युवा में आ रही है। सो ऐसे ऐसे जैसे हम गुरु पूर्णिमा से मनाते हैं, अगर हम मनाते रहेंगे और युवा को और जोड़ते रहेंगे, समाज में बहुत ये पवित्रता नैतिकता फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए, MH1 प्राइम से खास बातचीत करने के लिए।